एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के गोलू ढोलू के चैनल में। गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके सब अपने भी ठीक होंगे। तो चलिएगा, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर भी करते जाओ। गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हेयर लॉस के लिए, हेयर फॉल्स के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो है। एंड आपको इसको फुल डिटेल में जाना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना। एंड गाइस, जो मैं आपका सकता हूँ, मुझे DIY चीजें यूज करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं हेयर पैक, फेस पैक बहुत ही ज्यादा DIY जो है वो यूज करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। सो लेकिन DIY यूज करने के लिए हमें नेचुरल वे में पाउडर यूज करना बहुत ही जरूरी होते हैं। पर पाउडर नेचुरल है कि नहीं है ये देखना कई बार मुश्किल हो जाता है, कि कई बार ऐसा होता है बहुत हमें मिलावटी पाउडर मिल जाते हैं जिनका हमें अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलता है। घर पर पाउडर बनाना थोड़ा सा झंझटी होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उतने अच्छे से बन पाता है, क्योंकि उनको लिखना सुखाना फिर बहुत ही मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग काम लगता है। अगर आप घर पर अपना पाउडर बना सकते हो तो इट इज़ द बेस्ट, वो बिल्कुल ही नेचुरल होते हैं। पर अगर आप अपने घर पर नहीं बना सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, मेरी तरह आपको झंझट वाला काम लगता है घर पर पाउडर बनाना, तो और आपको नेचुरल वे में पाउडर चाहिए भी, तो आप एल्प गुडनेस के ब्रांड जो है वो ट्राई कर सकते हो। ये गाइस, एल्प गुडनेस ब्रांड जो है वो पर्पल साइड से मैंने जो है वो सारी चीजें खरीदी हैं। ये सारे हेयर पैक्स हैं, आप स्किन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो स्किन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बट हेयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। और मैंने स्किन के लिए भी जो है वो एल्प गुडनेस के बहुत सारे पाउडर, एक्चुअली पील पाउडर है, अंबा हल्दी वगैरह सब कुछ मंगा के रखे हैं। अगर वो वीडियो मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, अगर आपको उसका भी रिव्यू देखना है तो आप वो मेरे चैनल पे जाके जरूर चेक करना। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वो मिल जाए। गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हेयर लॉस की। तो इस टाइम इतनी ज़्यादा हेयर लॉस हो जाते हैं विंटर में, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हेयर हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं। किसी के बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हेयर होते हैं, जैसे कि हम बिल्कुल अपने हेयर में हाथ डाला और बहुत सारे बाल हमारे आ गए, डैंड्रफ बहुत हो जाती है एंड बाल जो है बहुत ही ज़्यादा रीग्रोथ नहीं होती है बिल्कुल भी, और वो टूटते झड़ते बहुत ही ज़्यादा है। तो उनको भी जो है अच्छे से एक ब्रांड की ज़रूरत है जो उनको जो है गिरने से रोके, झड़ने से रोके। गाइस, तो आप बिल्कुल जिस तरह से हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, उनको फेस पैक लगाकर ग्लोइंग बनाते हैं गाइस, तो उसी तरह हमें अपने हेयर पे भी फेस पैक अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर भी जो डैमेज हेयर हो जाते हैं एंड रफ हो जाते हैं उन पे भी चमक आए एंड उस पे भी जान सी आ जाए। तो गाइस, बिल्कुल आप एल्प गुडनेस के ब्रांड के जो है वो ये प्रोडक्ट ट्राई करें एक बार, एटलीस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि मुझे DIY बनाना बहुत ही पसंद है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो मैंने हेयर के जितने भी पैक हैं तो उनके लिए पाउडर्स की जरूरत थी, तो मैंने मैंने और भी बहुत ट्राई किए हैं, तो कुछ अच्छे लगे मुझे, कुछ अच्छे नहीं लगे, तो ये मुझे नेचुरल, बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगे। गाइज, आप एक बार एटलीस्ट इसको ट्राई जरूर करना। सबसे पहले बात करेंगे आंवला की। तो गाइज, इसकी बात करेंगे प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है वो गाइज 150 है, 150 इसका प्राइस है एंड इसका जो वेट है वो 150 ग्राम है। और आंवला की गाइस बात करें तो ये रिच इन विटामिन सी, ये विटामिन सी से भरपूर होता है एंड ये बहुत ही हमारी हेयर ब्राइटनिंग एंड टाइटनिंग स्किन भी करता है। और एसिड ऑफ ट्रीटमेंट डैंड्रफ और हेयर फॉल्स, ये डैंड्रफ हेयर फॉल जो होती है वो बहुत ही अच्छे से उसको दूर करता है गाइस। तो आंवला बहुत ही अच्छा है हमारे बालों के लिए, बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। सेकेंडली जो पाउडर है वो है शिका काउ पाउडर, इसका भी जो रेट है वो 175 है एंड इसकी जो वेट है वो है 150 ग्राम। और गाइस, बात करेंगे इसकी, तो ये मेक्स हेयर स्मूथ एंड सिल्की, ये आपके बालों को सिल्की बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, स्मूथ बनाता है, नेचुरल हेयर क्लींजर है ये, बहुत ही अच्छा आपके बालों को क्लींस करेगा, बहुत ही अच्छा है ये, डैंड्रफ दूर करता है आपके बालों को और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की तो बनाता ही है। अब बात करेंगे बीट रूट पाउडर की, तो ये भी गाइस बहुत ही ज़्यादा आपके बालों को जो है वो हेयर लॉस को बहुत ही हद तक कम करता है, आपकी स्किन को भी ब्राइटनिंग बनाता है ये और बहुत ही अच्छा है। अगर आपके बालों को पैक आप इसको अप्लाई करते हो तो गाइस आपको स्टेली बहुत ही ज़्यादा बाउंसी आपके हेयर लगेंगे, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। ये है करी लीफ, और करी लीफ इसका जो है MRP आप देख सकते हो 155 है, इसका नेट वेट भी जो है गाइस वो 150 ग्राम है
एंड गाइस इसकी बात करें इसके बेनिफिट की, तो ये रिच इन विटामिन बी एंड अमोनिया एसिड होता है इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा आपकी ग्लोइंग स्किन को बनाता है और आपके इलास्टिसिटी जो है वो बालों को बहुत ही टूटने से जो झड़ने से बहुत ही रोकता है, उसको मजबूत बनाता है। करी लीफ बहुत ही अच्छा है आपके बालों और स्किन के लिए, दोनों ही के लिए आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करना, तो मैं हर पाउडर का आपको अलग अलग पैक बनाकर भी दिखाऊंगी। तो ये लिक्विडाइज पाउडर है, आपकी स्किन के लिए वैसे ही बहुत बेनिफिशियल है एंड आपके हेयर को भी बहुत ही ज़्यादा जो है स्कैल्प को आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, आपको डैंड्रफ को हटाता है, ये बहुत ही हेल्प करता है। लिक्विडाइज जो मुलैठी जिसे बोलते हैं हम, बहुत ही अच्छा है ये गाइस, आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी MRP है 110 और इसका वेट जो है वो 50 ग्राम है। एंड सेकेंडली है ब्रैंक डाइस पाउडर, ये भी बहुत अच्छा है गाइस, ये आपकी प्रमोट हेयर ग्रोथ, आपके हेयर की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेगा, बहुत ही हेल्प करेगा, तो आप इसको बिल्कुल मंगा सकते हो। ये हेयर के लिए बेस्ट है। ब्रैंक डाइस पाउडर का वैसे ही अप्लाई करते रहना चाहिए हमें, ऑयल में भी होता है ब्रैंक डाइस, ताकि वो रीग्रोथ करता है हमारे हेयर को, तो आप इसको भी मंगा कर ट्राई कर सकते हो। एंड ये है जिटामांसी पाउडर, ये भी बहुत अच्छा है, ये प्रिवेंट आपकी ग्रेइंग ग्रे जो हेयर जाते हैं उसको रोकता है, आपकी स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, साफ करता है, हेयर फॉल को रोकता है, आपकी स्किन को भी बहुत ग्लोइंग बनाएगा, तो आप इसको बिल्कुल एक बार यूज़ करके देखिएगा गाइस। ये है रीठा पाउडर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, अगर आपको सब कुछ डिटेल में देखना है तो मैं आपका हर एक चीज़ का स्पेशली वीडियो बनाकर मैं कैसे यूज़ करती हूँ मैं वो भी आपको बताऊंगी। ये आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग बनाता है रीठा पाउडर, और स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा pH वैल्यू ठीक रखता है, आपके बालों का जो नेचुरल pH वैल्यू होता है उसको बिल्कुल परफेक्टली करता है। जब वो ठीक रहता है तो आपके बाल गिरेंगे कम, टूटेंगे कम, झड़ेंगे कम, तो आपके बाल वैसे भी रीग्रोथ होंगे ही। डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा कम करता है रीठा पाउडर, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिए। इसका नेट वेट भी 150 है एंड इसका जो MRP है वो 180 है। और यह है हिबिस्किस पाउडर, अगर आप कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हो गाइस ना, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करना। आप खाली पाउडर इसको भी मिक्स करके दही के अंदर या किसी भी अपने हिसाब से मिक्स करके एलोवेरा के अंदर जेल के अंदर मिलाकर आप इसको यूज़ कीजिए, आपके बालों की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा फर्क दिखाई देगा आपको। ये सबसे बेस्ट है और ये सबसे महंगा भी आता है, ये 150 ग्राम है, लेकिन इसका प्राइस दे सकते हो आप 35 है, यानी कि 305 रुपये का ये आता है। आप देख सकते हो इसके प्राइजेस में कितना फ़र्क है, और ये बेस्ट है। अगर आप कुछ भी नहीं खरीद रहे हो तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप सारे पाउडर मिक्स करके लगाते हो तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा, बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा आपके हेयर में, तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कीजिए। और आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना, तो मैं आपको डिटेल में उस चीज़ के बारे में बता सकती हूँ। तो सी ये गाइस आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रीग्रोथ करता है, बहुत ही अच्छे से आपको कंडीशन करता है, आपके बालों को नरिश करता है, एंड बहुत ही अच्छा आपके स्कैल्प को जान डाल देगा गाइस। ये आपने देखा होगा जितने भी ऑयल्स आते हैं उसमें ज़रूर होता है, क्योंकि वो बाल की रीग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है, शैम्पू में भी ज़रूर डला होता है, तो आप इसको बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए, एटलीस्ट आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और बिल्कुल अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और मैं आपको सारे वीडियो के जो है पैक बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरह से यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो नीचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा गाइस। बाय बाय।